हाँ जी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे इस स्टॉक का और कैसा इसके अंदर मूवमेंट रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और पहले बता दूँ ये स्टॉक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड काम करता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो इतने टाइम से मूवमेंट में नहीं आई थी, मतलब पैसों में थी पहले। हाँ सही सुन रहे हैं आप, रुपयों में नहीं थी, पैसों में थी। और एक बार जो आर पावर का दौर चला था उसी के बीच में स्टॉक 400 से 500% रिटर्न दे गई थी 6 महीने के अंदर। लेकिन उसके बाद इसके बुरे दिन फिर चालू हो गए थे और स्टॉक 4 रुपये से डायरेक्ट 1.50 रुपये पर आ चुका था। लेकिन फिर अब जंप वापस आने लगा है स्टॉक का, तो अब देखेंगे क्या इसके अंदर बुलिश या टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न्स बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अब स्टॉक के ऊपर। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा स्टॉक जो है उसके अंदर अगर मूवमेंट्स की बात करें हम, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एक सपोर्ट लेवल पहले से तैयार हुआ हुआ। उस सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इस देखने को आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो अगर इस सपोर्ट लेवल को हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, पहला सपोर्ट लेवल जो आपको यहाँ देखने को मिला होगा जब पहली बार ड्रॉ किया होगा वो ये सपोर्ट लेवल है। तो इस सपोर्ट लेवल को हम एक्स्ट्रा सपोर्ट लेवल का नाम देते हैं, जो अगर कभी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में काम पड़ जाए तो इस सपोर्ट लेवल का यूज़ कर सकते हैं हम। दूसरी अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमको यहाँ से ड्रॉ करना है, आप देख सकते हैं दूसरा क्रिटिकल सपोर्ट लेवल जो अभी हम लेने वाले हैं ट्राइंगल के अंदर, उसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम सपोर्ट लेवल तैयार करेंगे। वो हम ऐसी बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक जहाँ अभी पूरे 1 महीने के अंदर सबसे लो बनाया है, तो इसको अगर हम तैयार करते हैं और साथ में अगर चार्ट पैटर्न्स पे भी नज़र दौड़ाते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ ट्रायंगल बनना मुश्किल है क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन जब से आई है तब से ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन हम अगर ट्रेंड लाइन को देखते हुए अगर बनाते हैं पैटर्न्स तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ब्रेकआउट बिल्कुल बन सकेगा, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं होगा, यहाँ तक का ज़रूर सही हो सकता था, ट्रेंड लाइन में चल रहा था मैं कह सकता हूँ। आप देखें यहाँ से बिल्कुल एकदम मूवमेंट में था स्टॉक, ट्रेंड लाइन में बिल्कुल एकदम फ्लक्चुएशन मूव आ रहा था, लेकिन फिर गिरावट आ चुकी है। तो आप देखें इस गिरावट को अगर हम सही करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ये, यह इसको अगर हम इधर रखें और फिर ऐसे करके ऐसे करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सही पैटर्न बनने के लिए तैयार हो रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ पहले, तो यहाँ बिल्कुल एकदम पैटर्न वो बन रहा था जो लोग चाहते थे, इसको हम फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ फ्लैग पैटर्न है जो ब्रेकआउट हो चुका है। अगर इस ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा जंप मिल जाता है इस स्टॉक को तो बढ़िया रिटर्न दे देगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लैग पैटर्न आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, अच्छे से नहीं हो रहा बिल्कुल क्योंकि डाउनवर्ड मूव आ रहा था, एक डबल ट्राइंगल लग रहा है। लेकिन आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।